यूपी के मुरादाबाद में बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मामले में जब पुलिस ने नाम दर्ज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो अब बूढ़े माँ बाप SSP से मिले और न्याय की गुहार लगाए। क्या घटना हुई थी आपकी जो आज आप SSP महोदय मुंडाकांडी थाने वापस आए हैं, क्या हुआ था आपके घर, क्या घटना हुई? हमारे घर में घटना हुई थी, हमारे लड़के की घरवाली और उसका साला, ये दोनों घर पे थे। हमारी घरवाली गई थी अपने आँखों को दिखाने, हमारे दमाद के गई हुई थी लड़की के, जब वहाँ गई हुई थी तो हम घर में हमारे कोई नहीं था, हम भी बाहर थे, हम दुकान पर चले गए थे, उसमें शराब वराब पी रहा था, तो हमने किसी जगह नहीं, उससे शराबी से जान छुड़ा कर हम चले गए बाहर। उसके बाद जब हम लौट के आए तो हमने लड़का जो है अपने घर में लटका हुआ देखा, फंदे पर किवाड़ खुली हुई थी और फंदे पर लटका हुआ था, हमने तीन आदमी उतारा है उसके लिए और पैर उसके मेज पर टिकी हुई। किस पास है कहा आपके बेटे आत्महत्या हुई है? किस पासन का? मुझे उसके घरवाली पर उसके साले पे है शंका, वो ही घर पे थे और कोई घर पर था ही नहीं। क्या SSP साहब ने आश्वासन दिया है तुम्हें? SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि मतलब जो है PM रिपोर्ट देखने के बाद में जो उसमें होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अब आप कहाँ खड़े? अब हम मेरा पार्टी थाने में खड़े। अभी मुलजिम पकड़े नहीं गए? अभी मुलजिम पकड़े नहीं गए, जो हमारे घर जो है अभी तो इंक्वायरी करने की पुलिस नहीं गई, ये भी देखने नहीं गई है कहाँ फांसी लगाई लगी थी, क्या 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 हुआ था, अभी तक कोई नहीं। क्या पुलिस लापरवाही बरत रही है इसमें? ग्रुप क्लियर में खुली हुई बरत रही है लापरवाही, इसमें तो कहने को शक वाली बात ही नहीं। ये घटना कब की है? ये घटना 17 तारीख की, 24 तारीख का लड़का मेरा